हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेव टेक स्मार्ट में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रिंटर जो आता है वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट प्रिंटर ब्रांड ब्रदर की तरफ से। ये है ब्रदर DCP T426W इंक टैंक मल्टी फंक्शन प्रिंटर है। तो करते हैं इस कलरफुल बॉक्स को ओपन और टेस्ट करते हैं प्रिंट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। बने रही है वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। और ये है प्रिंटर का बॉक्स, और जैसा कि देख सकते हो काफी कलरफुल बॉक्स आया है और काफी हद तक हमारी मैचिंग भी हो रही है इसके साथ। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसका मॉडल है DCP T426W। वाईफाई प्रिंटर है, जिस प्रिंटर के लास्ट में W लगा रहता है समझ लिया करो वो वाईफाई। और ये प्रिंटर मल्टी फंक्शन के साथ आता है, प्रिंट, कॉपी और स्कैन। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस बॉक्स को ओपन। बॉक्स कंटेंट में सबसे पहले आप देख सकते हो क्लीनिंग किट मिल जाती है पेपर रोल के लिए, एक प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड और साथ ही USB A to USB B केबल मिल जाती है प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करने के लिए, और एक ड्राइवर CD, वैसे आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, और काफी सारा पेपर वर्क दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेटअप गाइड आपको मिल जाती है। और देख सकते हो 4 कलर बॉटल्स दी हुई हैं, जिनमें ब्लैक की साइज काफी ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज भी ब्लैक की आती है। सबसे पहले इस प्रिंटर के फिजिकल ओवरव्यू की बात करो तो ये प्रिंटर व्हाइट कलर में है, और यहाँ सेंटर पे ही ब्रदर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ QR कोड दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप इस प्रिंटर के सारे ट्रबल शूट वीडियो देख सकते हो। और यहाँ कुछ आपको डेडिकेटेड बटन देखने को मिल जाएंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे यूज करना है। और फ्रेंड्स, डिजाइन बाई जापान है, और यहाँ ट्रबल शूट टिप्स और दिशा निर्देश दिए हुए हैं, और सामने की तरफ इंक टैंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रिंटर को कर लेते हैं रिफिल, और यहाँ से आप इसे ओपन कर सकते हो, और ये कैप दी हुई है, कलर के अकॉर्डिंग आपको इंक को रिफिल करना है। सबसे पहले ये कैप यहाँ रख सकते हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कलर के हिसाब से ही आपको इंक को रिफिल करना है। तो मैं सबसे पहले मजेंटा को रिफिल करने जा रहा हूं, यहां ऊपर की तरफ ये नोजल शो करते हैं रिमूव, और साथ ही आपको ये सील मिल जाती है, इसे आपको ब्रेक करना रहेगा। तो सबसे पहले बिल्कुल इजी वे में बोतल को मैंने लगा दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रिंटर के अंदर इंक रिफिल हो रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल इजी वे में मैंने रिफिल कर दिया है इंक को, और बोतल खाली हो गई है। नेक्स्ट बोतल की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने प्रिंटर के अंदर इंक को रिफिल कर दिया है, और अब इन सभी के कैप्स वापस लगा देते हैं। और यह है इस प्रिंटर की पेपर ट्रे, और यहां से आप पेज की साइज को एडजस्ट कर सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट साइज में आप पेपर को इसमें रख पाओगे। और इस पेपर ट्रे की कैपेसिटी है 150 पेजेज, आप आसानी से रख सकते हो। और यहाँ से प्रिंट बाहर आएगा, और पेपर को रोकने के लिए आपको एक होल्डर भी मिल जाता है। और प्रिंटर के बैक साइड में आप यहाँ से पेपर मैनुअली लगा सकते हो, और पेपर की साइज को भी एडजस्ट कर सकते हो, और कभी प्रिंटर में पेपर स्टक हो जाए तो यहाँ से आप उसे निकाल सकते हो। और यहाँ आपको पावर पोर्ट मिल जाता है, और PC से कनेक्ट करने के लिए यहाँ आपको USB B पोर्ट दिया हुआ है। मैंने इस प्रिंटर को पावर से अटैच कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हो लाइट यहाँ ब्लिंक कर रही है 3 सेकंड के लिए। यहाँ मैं कलर बटन पे जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये प्रिंटर अपने आप को रेडी करेगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो प्रिंटर रेडी हो चुका है अपना, और एक टेस्ट पेपर भी बाहर आया है, और सब कुछ मैंने देखने के बाद में सब कुछ ओके दिख रहा है मेरे को। और अब टेस्ट करते हैं इसकी प्रिंट की क्वालिटी। सबसे पहले फोटोकॉपी करने जा रहा हूं मैं, और आप ये साइज देख सकते हो, काफ़ी साइज देखने को मिल रही है। A4 साइज का पेपर आप आसानी से रख सकते हो। और सबसे पहले ब्लैक प्रिंट करने जा रहा हूं मैं, तो मोनो पे आपको प्रेस करना रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिटी क्या ही शानदार देखने को मिल रही है। और अब प्रिंट करता हूं कलर।
और देख सकते हो A4 साइज पे प्रिंट की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। मेरे पास ग्लोसी पेपर नहीं था, नहीं उस पे तो आपको रियलिटी ही देखने को मिलेगा। इस प्रिंटर की मुझे एक सबसे अच्छी बात लगी, आईडी फोटो के लिए आपको अलग से सैंक्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है और बता भी रखा है, इसे रखते हैं साइड में। और मैं पैन कार्ड की कॉपी करने जा रहा हूँ, वैसे आप यूँ समझ लो आप आधार कार्ड की भी यहाँ से कर पाओगे, जैसा कि यहाँ से यहाँ तक बता रखा है आईडी। और इसके लिए आपको यहाँ प्रेस करना रहेगा कॉपी शॉर्टकट है। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो आईडी को स्कैन कर रहा है प्रिंटर, ये देखो यहाँ स्कैन कर लिया है और बस जस्ट इसको बैक साइड और कलर बटन पे आपको प्रेस करना रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हो क्वालिटी क्या ही शानदार देखने को मिल रही है। इससे आपको ये प्रॉफिट रहेगा कि आपको बार बार पेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस प्रिंटर को वाईफाई से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ वाईफाई का बटन दिया हुआ है, इसे आपको 3 सेकंड के लिए बटन को प्रेस करना रहेगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ लाइट ब्लिंक करना ही स्टार्ट हो गई है और आप एंड्रॉयड और iOS दोनों से कनेक्ट कर पाओगे। मेरे पास iOS है तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, और आपको वही बेसिक सी सेटिंग आपको करनी रहेगी। और मैं इसमें प्रिंट करके देखता हूँ कितना टाइम लगता है मैनुअल के कंपैरिजन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वालिटी, वो भी A4 साइज का पेपर है, और क्वालिटी आप देख सकते हो क्या ही ऑसम क्वालिटी देखने को मिल रही है। अगर ग्लोसी पेपर होता तो क्वालिटी और भी अच्छी देखने को मिलती है। अभी मैंने जो ये प्रिंट दिया वो ओनली डायरेक्ट वाईफाई से दिया है, और ब्रदर की ऐप भी आती है अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल करके, और उससे भी आप प्रिंट को एक्सेस कर पाओगे। और मैंने तकरीबन फ्रेंड्स 30 पेज पे प्रिंट किया है, ओवरऑल मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ मैं आपको बता दूँ ब्लैक इंक से कंपनी क्लेम कर रही है 7500 आप पेपर है प्रिंट कर पाओगे, और कलर से 5000 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स हमेशा इस प्रिंटर में आप ओरिजिनल इंक ब्रदर की ही डालना, क्योंकि मार्केट से आप लोकल इंक डालोगे तो आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी और दूसरा आपका प्रिंटर भी खराब हो जाएगा। वारंटी की बात करूँ तो 1 ईयर और 30,000 पेपर प्रिंट की वारंटी मिलती है। और इस प्रिंटर की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो अभी अमेजोन पे लिस्टेड है 13,700 के आसपास है, और किसी ऑफर सेल में आप इसे परचेज करोगे तो और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ऐसा ही एक 3-in-1 इंक टैंक अगर प्रिंटर परचेज करने की सोच रहे हो तो आप इस प्रिंटर के लिए जा सकते हो। मुझे सबसे अच्छी बात लगी इसमें आपको सेपरेट आगे की तरफ इंक टैंक मिल जाता है, और आप रिफिल भी आप आसानी से कर पाओगे। अगर आपको ये प्रिंटर खरीदना है तो बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस प्रिंटर के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।